दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। बढ़लगंज कोतवाली क्षेत्र के डेरवा चौराहे से पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल उमेश वाजपेयी ने बताया कि रविवार को सुबह डेरवा चौराहे से थाने में दर्ज धारा 363, 366, 376 व 5/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त स्वामीनाथ पुत्र हरपुत निवासी लखनौरी को गिरफ्तार किया गया। दो बाइकों की टक्कर से एक घायल। गगहा गोरखपुर। गगहा थाना क्षेत्र के नर्रे बुजुर्ग निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र रामप्रीत उम्र 25 वर्ष घर से बाइक में तेल भरवाने अतार मोड़ के पास पेट्रोल पंप पर आया था। तेल डलवाने के बाद जैसे ही रोड पर चढ़ा सामने से आ रहा बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार गिर गए। लेकिन टक्कर मारने वाला युवक को हल्की चोट आई और वह बाइक लेकर फरार हो गया, जबकि दूसरा बाइक सवार को गंभीर चोट आई। सूचना पर पहुंची गगहा पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रुस्तम ने कचरांचल की मैराथन दौड़ में जीत हासिल की। गगहा गोरखपुर। गगहा थाना क्षेत्र के असवनपार में आयोजित 7 किलोमीटर की लंबी दौड़ प्रतियोगिता में चोरे चोरा के रुस्तम पासवान अव्वल रहे। प्रतियोगिता में गोला के अभिषेक दीति जबकि कुसुमही के पिंटू चौधरी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के अंत में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आयोजक बबलू तिवारी फौजी ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आयोजित की गई है। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि गगहा प्रभारी जयंत कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। विशिष्ट अतिथि पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुमन पासवान रहीं। प्रदेश महामंत्री की माताजी की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। गोला गोरखपुर। चाणक्य विचार संस्थान संगठन के प्रदेश महामंत्री आचार्य दीपक त्रिपाठी की पूज्य माताजी स्वर्गीय मीरा त्रिपाठी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया। तत्पश्चात आगे पढ़ने वाली भीषण गर्मी को देखते हुए उनकी याद में न्यू सेंट्रल एकेडमी स्कूल महुआपार विद्यालय परिवार के छात्र छात्राओं को गर्मी से राहत मिले, इसके लिए चाणक्य विचार संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी के हाथों सीलिंग फैन दान किया गया। उक्त अवसर पर विद्यालय के संस्थापक विनय कुमार गुप्ता, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, बड़लगंज ब्लॉक उपाध्यक्ष पंडित राम रक्षा शुक्ला, ब्लॉक महामंत्री पवन कुमार ओझा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 20 वर्षों से कर रहे हैं गोरैया संरक्षण। गोरखपुर जिला मुख्यालय से दक्षिण 50 किलोमीटर दूर बेलघाट निवासी सुजीत कुमार मुदलवान लगभग 20 वर्षों से निस्वार्थ भाव से गोरैया पालन कर रहे हैं। इस समय इनके घर में लगे 100 से अधिक घोंसले में सैकड़ों गोरैया घोंसला बनाकर रह रही हैं। नन्ही चिड़िया गोरैया के प्रति सुजीत के समर्पण के कारण क्षेत्र में यह लोगों के बीच स्पैरोन मैन के नाम से प्रसिद्ध है। सुजीत के घर को अगर स्पैरो हाउस कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सुजीत द्वारा 2014 में स्पैरो लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट भी बनाया गया है। सुजीत बताते हैं कि पर्यावरण संतुलन के लिए गोरैया की भूमिका महत्वपूर्ण है। गोरैया के कुनबे को बढ़ता देख उनकी चहचहाट सुनकर उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। सुजीत कुमार ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 20 वर्ष गोरैया संरक्षण और सर्वधर्म में लगा दिए, परंतु इन्हें वो सम्मान और नाम नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए। नौनिहालों को पिलाई गई पल्स पोलियो की खुराक। गोला गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत गगहा विकास खंड के गाँव में बने बूथों पर उप स्वास्थ्य केंद्र समय थान बेटी के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेलसड़ा सहित गांव-गांव में पहुंचकर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई।
रविवार को समाज सेवी व ग्राम पंचायत सदस्य रमाशंकर यादव ने बच्चों को 2 बूंद पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य प्रति सभी को सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। आप लोग अपने बच्चों को पोलियो उन्मूलन के लिए 2 बूंद दवा पिलाकर उसे जड़ से खत्म करने में अपना सहयोग करें और अपने नौनिहालों को स्वास्थ्य के प्रति जीवन में खुशहाली लाएं। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आशा बहू निर्मला पासवान, सुषमा दुबे, कमलेश देवी सहित आदि लोग मौजूद रहे। ग्राम प्रधान द्वारा पोलियो बूथ का किया गया उद्घाटन। गगहा गोरखपुर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत आज रामपुर बघौरा में अखिलेश सिंह, सिमरी में सदन तिवारी, घेवरपार में राजेश यादव, सुकरौली में गोल्डन सिंह, हाटा में अंकित चंद, मंजूरी में ब्रह्मानंद यादव, चखरुआ में खुनकुंदु साध, बेलसड़ा में रमाशंकर यादव, गौरखास में महेंद्र, महुराई में अब्दुल मन्नान आदि गाँव में ग्राम प्रधान और प्रतिनिधियों द्वारा पोलियो बूथ का उद्घाटन किया गया। रामपुर बघौरा पोलियो बूथ पर सबसे पहले वैष्णवी उम्र 18 माह को पोलियो की दवा पिलाकर शुभारंभ किया गया। गगहा में आज कुल 88 बूथों पर 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। डॉक्टर बीके बनवाल द्वारा चिकित्सा अधिकारी और अशोक कुमार पांडे बीसीपीएम ने बताया 9,652 बच्चों को पोलियो पिलाई गई। विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। महाविद्यालय भटौली बाजार की राष्ट्रीय सेवा योजना की एक दिवसीय शिविर का आयोजन महाविद्यालय भटौली बाजार उन्वल गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के प्रातःकालीन का शुभारंभ प्रार्थना एनएसएस की एवं शारीरिक व्यायाम के साथ हुआ। संस्वयक एवं स्वयं सेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर स्वच्छता एवं परिसर सुंदरीकरण का कार्य पूर्ण मनोयोग के साथ किया। द्वितीय सत्र बौद्धिक सत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस पर चर्चा करते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सनोज कुमार चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया है। यह नागरिकों के जीवन स्तर एवं श्रम वृद्धि एवं संतुष्ट को प्रदर्शित करने वाला एक सूचकांक है। विश्व गौरैया दिवस पर चर्चा करते हुए कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ओझा ने कहा कि एक समय प्रत्येक घर के आंगन में गौरैया का चहकाना सुनाई एवं दिखाई देता था, परंतु आज संख्या कम होती होती गौरैया पूरी तरह विलुप्त होती जा रही है। आरएसएस ने मनाया होली मिलन समारोह। कौड़ीराम गोरखपुर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कौड़ीराम द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर कौड़ीराम पर होली मिलन समारोह मनाया गया। आरएसएस के कौड़ीराम खंड के स्वयं सेवकों द्वारा अबीर व गुलाल लगाकर मनाया गया होली मिलन समारोह। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिले स्वयं सेवक। कार्य समाप्ति पर मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर विभाग पालक रवि, नगर संघ चालक गिरीश चंद मोदनवाल, सह जिला कार्यवाह रतन राय मौजूद रहे। नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था फेल। बासगांव नगर पंचायत में इन दिनों साफ सफाई पूरी तरह से फेल हो गई है। साफ सफाई का काफी अभाव देखने को मिल रहा है। हनुमान मंदिर जाने वाले मार्ग के रास्ते में पूरा कूड़ा इकट्ठा हुआ है और पूरे सड़क पर फैला हुआ है, जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। संदीप गोरखपुरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद का प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष। बासगांव। अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव संदीप कुमार गोरखपुरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद का प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। कार्यकारी जिला अध्यक्ष पंकज कुमार, कमलेश पासवान, बाल मुकुंद, राकेश चौरसिया, छोटेलाल भारती, पूनम आजाद ने बधाई दी। अश्वनी यादव का शव गोला में मिला। गुला क्षेत्र के बारानगर में सरयू नदी में स्नान करते हुए शुक्रवार को 2 किशोरों के डूबने से मौत हो गई। एक किशोर राज्य विश्वकर्मा शव बरामद। दूसरे किशोर अश्वनी यादव की तलाश स्थानीय युवकों एनडीआरएफ की टीम द्वारा की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन द्वारा जांच किया जा रहा है।
रविवार को बारानगर से 8 किलोमीटर दूर गुरा में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधेड़ का घर में फंदे से लटकता मिला शव। बांसगांव उपनगर के वार्ड संख्या 7 में 55 वर्षीय श्रीकांत कहार पुत्र गुलाब ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वह अविवाहित था। उसके दो भाई हैं जो शादीशुदा हैं। वह एक सीमेंट सीट के मकान में रहता था। सुबह जब देर तक नहीं जगा तो आसपास के लोगों ने फाटक खुलवाने लगे तो पता चला कि उसने आत्महत्या कर लिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।